That's my best friend. हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमारे एडवांस सर्वर के अपडेट्स के बारे में। इसमें क्या नया आपको देखने को मिलने वाला है ये दिखाने वाले हैं। हैकर स्टोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो हैकर स्टोर के बारे में भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, तो वो भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। और भाई, हैकर स्टोर में कौन से बंडल हमें देखने को मिलने वाला है सुन के आप हैरान जरूर हो जाओगे, और थोड़ा सा हैरान परेशान के साथ नाराज भी होने वाले हो, क्योंकि वो बंडल्स आपको यार पहले भी दिए जा चुके हैं। तो बताऊँगा यार आगे हमारे नए टॉप अप इवेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं, और मैकलेरन रॉयल के अंदर आपको कितने ज्यादा डायमंड खर्च करने पड़ेंगे खुद मैं करके दिखाऊंगा स्पेंड आपको, कि उसमें कितना स्पेंड करने के बाद आपको यार कितने हद तक कितने लिमिट तक चीजें मिल पाएंगे। वो मेरा लग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक एवरेज तो आप लोग यार समझ ही जाओगे। साथ में छोटे मोटे अपडेट्स और इवेंट्स की तो बात करेंगे ही, तो वीडियो को यार पूरा देखना अगर आपको यार एंजॉय करना है तो, क्योंकि आधा आधा देखोगे तो मजा नहीं आएगा। साथ में लाइक मार देना यार इस वीडियो को, लाइक टारगेट हमारे आज की वीडियो का गाइस रहने वाला है 10,000 लाइक्स का। तो भाई यार 2 सेकंड लगता है लाइक मारने में, और अपने जिंदगी के यार 2 सेकंड दे दो हमारी वीडियो को लाइक मारने में यार। और भाई मुझे समझ नहीं आता है, 40,000 अगर एवरेज लोग देखते हैं तो इनमें से सिर्फ 10,000 क्यों लाइक मारते हैं, बाकी की 30,000 क्या करते हैं ऐसा कि हमेशा यार 10,000 या मुश्किल से 12,000 लाइक होंगे यार 40,000 में, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप लोग देखते हो भाई तो 1 सेकंड निकाल के मार ही सकते हो यार। मुझे देखना है आज कि कितने लोग जागते रहते हैं, तो फटाफट से भाई इसने भी लाइक नहीं मारा, जाके लाइक मार देना यार, और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। अभी मैं फोर्स नहीं करूँगा आपसे, तो फटाफट से यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे आने वाले नए टॉप अप इवेंट के बारे में। अभी यार हमारे मैकलेरन का टॉप अप इवेंट चल रहा है, इसमें आपको 200 डायमंड के अंदर गाड़ी की स्किन मिल रही है। वहां पे एक्चुअली आपको बैकपैक का स्किन मिलना था, लेकिन लास्ट टाइम पे इन लोगों ने उसको यार स्वाइप कर दिया, और भाई जहां पे बैकपैक का स्किन था वहां पे कार का स्किन, और जहां पे कार का स्किन था वह इसी वर्षा यार। इसीलिए आपको अभी 200 डायमंड के टॉप अप पे गाड़ी की स्किन यानी स्पोर्ट्स कार की स्किन मिल रही है, और भाई 500 डायमंड के टॉप अप पे आपको बैकपैक का स्किन मिल रहा है। मुझे नहीं समझ में किस बेसिस पे लोगों ने ये टॉप अप इवेंट लाया है, लेकिन अच्छा उन्हीं लोगों के लिए यार जिनके पास मैकलेरन की ऐसी कार की स्किन लेने का एक ड्रीम तो था, लेकिन यार पैसे नहीं थे। अब आप ले सकते हो आराम से कम पैसे में अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी बजट हुआ तो। बाकी यार ज्यादातर लोग टॉप अप नहीं कर पाते, वो तो मुझे मालूम है। तो इसका एक गिव अवे भी हम लोग कर रहे हैं यार फेसबुक पे, तो आपको फेसबुक पे ज्वाइन करना पड़ेगा गाइस। कल सुबह हमारा मैकलेरन के टॉप अप का गिव अवे होने वाला है, लकी 5 लोगों को मिल सकता है यार वो, अगर आप में से ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं तो। कल सुबह एक्चुअली यार 6 बजे करूंगा मैं, ठीक है 6 बजे आप एग्जैक्टली मान लो, सुबह सुबह हम लोग लाइव आने वाले हैं 6, 5, 6, 10 यार वो 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन आएंगे जरूर। तो फटाफट से जाके फेसबुक पे फॉलो कर देना हमें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है यार, लेकिन कल सुबह अभी नहीं यार, तो अभी देख लो इस वीडियो को। अभी यार हमारा जो अगला टॉप अप इवेंट आने वाला है वो उन टॉप अप इवेंट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो रेगुलरली टॉप अप करते रहते हैं, क्योंकि यार नेक्स्ट टॉप अप इवेंट हमारा होगा लेस इज मोर टॉप अप इवेंट, जहाँ पे अगर आपके पास 0 से लेकर 70 या 80 डायमंड्स तक के हैं तो आपको यार बेस्ट ऑफर मिलता है, वहाँ सस्ते से सस्ते डायमंड मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाइस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड चाहिए तो आपको अपने पुराने पड़े यार डायमंड्स को खर्च करना पड़ेगा, वो भी एक दर्द रहता है यार, क्योंकि लोग अक्सर यार डायमंड्स को सेव करके रखते हैं लेकिन भाई कोई खर्च नहीं करना चाहता ऐसे पर। भाई अगर आपको यार सस्ते डायमंड चाहिए तो आपको खर्च तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा जिनके पास यार डायमंड स्पेंड करने के लिए और डायमंड खरीदने के लिए इतना पैसा हो, ठीक है, जो रेगुलरली डायमंड खरीद सके और डायमंड को यहाँ पे स्पेंड भी कर सके, इन्हीं को मैं बोलूंगा यार। वरना आप लोग अपने डायमंड फालतू में यार जीरो मत कर लेना, कि आपको यार अगली बार टॉप अप करने में बहुत दर्द हो और आधे लोगों को तो यार हार्ट अटैक ही आ जाए। इसीलिए भाई जिनके पास ज्यादा पैसा है सिर्फ वही इस बार अपने डायमंड खाली करके रखो, क्योंकि बहुत जल्द हमारा ये लेस इज मोर टॉप अप इवेंट हमें देखने को मिलने वाला है। आई थिंक यार 9 सितंबर को ये आ जाएगा, तो 8 तक अपने डायमंड्स को जीरो कर लेना, क्योंकि रात 12 बजे भाई आपके यार यहाँ पे चांदी ही चांदी होने वाली है अगर आप डेली टॉप अप करते हो तो, जहाँ पे आपको यार अच्छे खासे डिस्काउंट पे टॉप अप करने का चांस मिलता है अगर आपके पास डायमंड जीरो होंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए जो अभी इवेंट आया है एक, उसमें आप डायमंड लगा सकते हो, यानी मैकलेरन रॉयल में अगर आपने डायमंड स्पेंड नहीं किए तो कर सकते हो भाई, वरना किसी परमानेंट चीज़ पे कर सकते हो, स्टोर से कुछ भी ले लो या कुछ भी यार, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी यार बता देते हैं आपको हमारे आने वाले नए हैकर स्टोर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है एक बार भी। तो इस आने वाले नए हैकर स्टोर के अंदर आपको 2 नए बंडल देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी हमारे फ्री फायर के पुराने इवेंट में देखने को मिले, और वो 2 बंडल है हमारे
यार आए हुए रैमपेज के दोनों बंडल्स ही आप देख सकते हो अपने सामने भाई। इनमें से एक बंडल हमें फ्री का दिया गया था, तो वहाँ पे यार जिन लोगों ने भी रगड़ रगड़ के मिशन किए थे डेली डेली, आप सोच रहे होगे कि यार फ्री का बंडल हमें चाहिए, लो भाई वापस आ गया है ये बंडल। और भाई जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यार मिशन कंप्लीट करने की मेहनत को छोड़ के ये सोचा होगा कि बाद में कभी ले लेंगे डायमंड लगा के, उनके लिए ये इवेंट आ चुका है। तो भाई फ्री वाला तो यार आप लोग लोगे नहीं, आप लोग लोगे तो ये येलो वाला ही लेने वाले हो। और इसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बंडल नहीं निकाले थे हमारे इवेंट के टाइम पे, वो भाई यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई यार आपको डायमंड वेस्ट करने का शौक है तो आप ये फ्री वाला बंडल निकाल सकते हो अगर आपने उस टाइम नहीं लिया था तो। और यार जो दूसरा हमारा बंडल है येलो वाला, ये गाइस आपको देखने को दोबारा से मिल गया है हैकर स्टोर के अंदर। तो दो ऑप्शन होते हैं हमेशा से, उसमें आपको अलग अलग यार रिवॉर्ड सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जो दो मेन रिवॉर्ड हैं हमारे, उनमें से ये दोनों हमारे ऑप्शन होने वाले हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों बंडल्स में से कौन सा निकालते हो। भाई वैसे मेरे हिसाब से ये दोनों बंडल इतने कुछ खास नहीं है कि आप इतने डायमंड खर्च करो, 9 के बाद यार एक दो और आप खर्च कर देना ऐसे, 18 आई थिंक होता है इसके बाद, और इसके बाद एक ऑप्शन और होगा 29 का, तो वहाँ तक खर्च कर देना उतना बहुत है भाई। उसके बाद यार अगर आपको नहीं मिलता तो मत करना मेरे हिसाब से, ताकि अगर आपको ये बंडल को ज़्यादा अच्छा लग जाता है तो आप इसमें खूब सारे डायमंड उड़ा सकते हो भाई, हमारा क्या जा रहा है। और ये हमारा रैमपेज का इवेंट 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, प्रोबेबली यार एक हफ्ते तक तो कम से कम चलेगा ही, आगे भी हो सकती है इसकी डेट, अब भाई कन्फर्म नहीं यार 5 सितंबर को ये आ रहा है इतना ज़रूर कन्फर्म है। और इसके साथ एक चीज़ और बता दूं आपको, जो हमारे हैकर स्टोर में जो सेकेंडरी रिवॉर्ड्स होंगे वो अभी कंफर्म नहीं है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और प्रोबेबली इसमें वाउचर्स वगैरह या कोई स्केटबोर्ड बैकपैक ऐसा करके आपको कोई स्किन दे दिया जाएगा, वो भाई देख लेना आगे, वो भी रैमपेज का ही हो सकता है या कोई अलग भी हो सकता है। एक नई क्रॉसबो की स्किन भी आपको मिलने वाली है गाइस, जो कि एट्रीब्यूट्स के बिना हमारे गेम के अंदर हमें देखने को मिलेगी, बर्निंग हर्ट नाम का गाइस ये इसका थीम रहने वाला है। और ये क्रॉसबो का स्किन आपको गोल्ड में भी मिल सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं, लेकिन यार गरेना का फिर से बोलूंगा कोई भी भरोसा नहीं है, ये रेयरस्ट बंडल को भी रिटर्न में दे सकते हैं। और ये यार ऐसी किसी चीज को इसके एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, इसको यार डायमंड में भी दे सकते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से और कुछ डाटा माइनर्स के हिसाब से ऐसा अंदाजा लगाया है, और कुछ डाटा माइनर्स ने भी बताया है, जैसे कि FR लेजेंड ने या लेजेंड FR भी कह सकते हो, इन्होंने बताया कि यार बर्निंग हर्ट नाम का ये जो हमारा ये क्रेट आने वाला है ये आपको गोल्ड में भी मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको एक क्रॉसबो या उसके टोकन मिल जाएंगे गोल्ड में, जहाँ पे आप इसे जाके चेंज कर पाओगे या पार्शियली ये डायमंड और गोल्ड के अंदर आपको मिल जाएगा गाइस, अगर आपको डायमंड लगाने लगा सकते हो ना गोल्ड भी यूज कर सकते हो। वैसे यार बर्निंग हार्ट नाम के ये क्रॉसबो की स्किन देखने में तो ये ठीक ठाक ही है, अच्छी मैं कहूँगा, क्योंकि भाई फीलिंग वो आ ही जाती है यार, आपके पास एट्रीब्यूट्स हो ना हो, आपके पास अगर किसी भी चीज़ की स्किन है ना तो उसकी फीलिंग आ ही जाती है, तो बिना एट्रीब्यूट्स के आ रही है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये गोल्ड में आ जाती है तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, देखने में बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। अगर फ्री की मिलती है तो डायमंड की मिलती है तो भाई यार हमेशा चुपता है, जितना ज़्यादा डायमंड लगते हैं उतना चुपता है। अच्छी तो चीज़ें होती हैं यार, फ्री फायर वाले अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं ना फिर भाई अंदर से इतना दुख होता है ना, इतना दुख होता है आधे लोग तो डिप्रेस ही हो जाते हैं डायमंड यूज़ करते करते या लगाते लगाते। भाई ये क्रॉसबुक स्किन आपको गोल्ड के अंदर मिल सकती है, इसके चांसेस हैं, लेकिन अब देखते हैं भाई ये डायमंड में आती है या फिर आपको गोल्ड के अंदर दी जाती है। बाकी आपके क्या व्यू है इस पे आप बताना गाइस कमेंट करके। तो अब भाई आपको हमारे आने वाले नए एडवांस सर्वर के बारे में बता देते हैं, काफ़ी जल्द हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन सबको मालूम है यार आपको तो ये मिलता नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर्स को ही मिलता है, तो यार आपको यार मजबूरन देखनी पड़ती है किसी की वीडियो। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको किसमें आपको क्या नया देखने को मिलने वाला है। अभी तक एक ही ऑफिशियल बैनर रिलीज हुआ है, जहां पे यार एडवांस सर्वर के अंदर ही आपको M10 की जो गन की स्किन है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ गाइस आपको यहां पे एक दूसरी गन देखने को मिलेगी जो कि मुझे वुड पैकर की तरह लग रही है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि जो नई गन है वो एक्चुअली में कोई नई गन है या फिर वुड पैकर की तरह आपको देखने को लग रही है। लेफ्ट वाली 100% यहां पे M10 है, लेकिन हो सकता है कि M10 का लुक्स को चेंज कर दिया गया हो या फिर ये किसी थीम की एक स्किन हो गाइस, तो ये दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे यार अभी हमें जैसे ही कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे सीन क्या है, क्या इसकी स्किन को चेंज किया गया है परमानेंटली या फिर कोई नई स्किन आ रही है, हम आपको बता देंगे। फिलहाल गाइस जो बीच में आप देख रहे हैं हमारा स्टार खड़ा है या खड़ी है कह सकते हो, ये हमारा रैबिट पेट होने वाला है, आने वाले नए अपडेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे यार स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि हमारा पेट है कि क्या है, लेकिन यार सबको मालूम है यार सामने दिख रहा है खड़ा हुआ है, तो प्रोबेबली हमारा पेट ही होने वाला है जो कि रैबिट फॉर्म में आपको नजर आएगा। अभी रिसेंटली हमारा टाइगर निंजा या
रेंजर टाइगर नाम का एक जो पेट है वो अभी आया तो नहीं है, लेकिन उसका यार अपडेट वगैरह मैं सब आपको दे चुका हूँ। उसका काम भी आपको बताया था क्या स्किल है उसकी, तो वो अभी आया नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि रिसेंटली अभी हमारा जो डेक वाला पेट था वो आया था यार हमारे पिछले अपडेट में ही, इसीलिए अभी यार इस मंथ के लास्ट में ही आपको वो पेट देखने को मिलेगा, यानी टाइगर पेट नज़र आएगा और उसके बाद आपको यार ये वाला पेट नज़र आएगा। बताना कमेंट करके ये पेट आपको कैसा लगा यार देखने में, और अभी कौन कौन से नए पेट हमें यार जानवर देखने को मिलेंगे गेम के अंदर कमेंट करके बता देना गाइज। अब आपको फटाफट से स्पिन करके बता देता हूँ कि यार क्या हमें यहाँ पे कितने ज़्यादा डायमंड खर्च करने पड़े हमारे मैकलेरन रॉयल के अंदर। तो फटाफट से गाइज देख लो आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे 0 लाख से यार स्टार्ट होता है, तो बहुत गंदा लगता है यार देखने में, मतलब 0 से लेकर 100 तक आपको जाना पड़ेगा यार इतनी अच्छी चीज़ को लेने के लिए। लेकिन भाई यहाँ ऐसा नहीं था, जर्सी रॉयल की तरह नहीं था, यहाँ पे आपको नीचे जो टोकन्स मिलते हैं ना मैकलेरन के टायर वाले टोकन्स, भाई मज़ा आ गया भाई इस इवेंट में, कसम से मज़ा आ गया भाई, दिल से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा इवेंट है यार, अगर आपके पास डायमंड है ना इसमें लगा देना भाई। लेकिन नहीं, 400 डायमंड में काम नहीं चलने वाला, कम से कम आपके पास 800 डायमंड होने चाहिए तब जाके लगाना, तब आपको इसमें कुछ परमानेंट मिल पाएगा। बताता हूँ कैसे, यहाँ पे भाई यहाँ पे 10 टोकन मैक्सिमम मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और आपको यार इस गाड़ी के लिए जो गोल्डन वाली कार देख रहे हो इसके लिए आपको 35 टोकन चाहिए, इसका मतलब यार 10 टोकन के साथ आपको यार 5-10 और मिल जाएंगे, समझ लो आपको 20 या 25 टोकन मिल गए, तो आप कम से कम 2 स्पिन यहाँ पे करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको ये गोल्डन कार नहीं मिलती तो वो दूसरी वाली मिल जाएगी, ब्लू वाली, और दोनों ही कार की स्किन काफ़ी अच्छी है। लेकिन को यहाँ पे यार गोल्डन निकालनी थी और दूसरी निकालनी थी हमारे यार जो मेन एक्शन है मैकलेरन का, तो यहाँ पे यार देख लो एनिमेशन के साथ साथ मुझे कार की स्किन कैसे मिली, यहाँ पे मुझे टोकन्स मिले और यहाँ पे यार टोटल मुझे अच्छे खासे टोकन्स मिल गए थे, तो मेरे को लगा एक बार चेक कर लिया जाए कि टोकन्स कहाँ से एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ तो भाई कहीं दिखा नहीं मुझे यार टोकन एक्सचेंज करने वाला। फिर याद आया हाँ हमारा मैजिक क्यूब जहाँ से एक्सचेंज होता है वहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, स्टोर में मैं जाके देखता हूँ तो भाई हाँ वहाँ पे ऑप्शन था 25 टोकन्स में आपको ये मिल रही है गोल्डन कार की स्किन, इसके बाद स्पोर्ट्स कार की ब्लू वाली जो स्किन है वो 25 टोकन्स में, और 50 टोकन्स में आपको मैकलेरन का एनिमेशन मिल रहा है। तो मुझे तो यार ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, एनिमेशन और गोल्डन कार की स्किन, तो फटाफट से यार मैंने सोचा चलो स्पिन मार ही लेते हैं। बाकी यार ये जो कपड़े वगैरह आए हैं ये इतने अच्छे नहीं हैं, तो मेरे पास यार अच्छे खासे डायमंड थे, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, तो अभी देखो यार यहाँ पे मैं दूसरी स्पिन मारता हूँ, देखो क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई टोकन के अलावा, ये लोग कुछ भी नहीं देने वाले यार, तो आपको यही उम्मीद रखनी पड़ेगी कि आपको इन टोकन से ही एक्सचेंज करना है, बाकी आपको वहां पे यार बहुत रेयरली कुछ मिल पाएगा यार, मुझे नहीं लगता कि ये लोग देने वाले हैं 100 लक से पहले, 100 आपका लक हो जाता है तो आपको कोई ना कोई रेयर चीज़ यहाँ पे दे देंगे, मतलब दोनों गाड़ियों की स्किन में से, एक्चुअली दो कार की जो स्किन है उनमें से और एनिमेशन में से कुछ एक मिल जाएगा। तो ये हमारी तीसरी स्पिन थी यार, यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छे खासे टोकन चाहिए ताकि मैं दोनों चीज़ें ले सकूं, तो यहाँ पे यार मुझे इतना अच्छा नहीं मिला, ठीक है 5 और ऐसे करके एक एक ऐसे करके टोकन्स मिल रहे थे, तो भाई रुला तो देते हैं ये लोग, लेकिन यार मैंने हार नहीं मानी भाई, मैं करता रहा और यहाँ पे टोटल मेरे पास 61 हो गए, चलो यार एक्सचेंज कर ही लिया मैंने। एक्सचेंज करने में यार क्या जाता है, हमारा पहले वाले तो एक्सचेंज कर लें भाई, एक चीज़ तो आ जाए, क्या पता यही टोकन कोई ग्लिच हो जाए और गायब कर दें, ऐसे भी ग्लिच की कमी नहीं है। जल्दी से यार मैंने ये वाला खरीद लिया और देख लो भाई क्या ही लग रहा है यार देखने में, मतलब बहुत ओपी लग रहा है। बाकी यार हमारे दूसरी वाली कार की जो स्किन है वो भी निकाल लेते हैं फटाफट से, पहले इसको इक्विप कर लें जल्दी से यार, मैं जाता हूँ हमारे पिछले लक रॉयल के अंदर वाले ऑप्शन में और जल्दी से ये वाली कार की स्किन निकाल लेते हैं। चलो यार फटाफट से एक स्पिन और करनी है, मुश्किल से मुझे लगा रहा है एक स्पिन और करनी होगी इसको निकालने के लिए, तो जल्दी से स्पिन करके देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे भाई टोकन टोकन टोकन, और भाई 10 टोकन भी मिले, हाँ 10 टोकन यहाँ पे इन लोगों ने दिए, और भाई 2-2 करके यार यहाँ पे यार लोग मूड ख़राब कर देते हैं, पर चलो 10 टोकन्स तो दिए एक साथ। और भाई मैं जाके देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है भाई, यहाँ पे 35 टोकन्स एग्जैक्टली हमारे पूरे हो गए, मतलब एक भी ज़्यादा नहीं देंगे ये लोग, उतना ही देंगे जितना चाहिए। तो यहाँ पे यार मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ फटाफट से, और भाई कसम से यार बुराई नहीं करनी इस इवेंट की, बहुत ज़्यादा सही इवेंट था, मतलब यार दिल से अच्छा लगा कि चलो यार परमानेंट चीज़ तो मिली, वरना भाई 3,000-4,000 लोग उड़ा देते हैं और उनको कुछ मिलता ही नहीं, खासकर वेब इवेंट में। तो यार गरेना सीरियसली भाई बहुत अच्छा इवेंट था, लव यू गाइस यार, लव यू। आप लोग भी यार इसमें ट्राई कर सकते हो, अपने डायमंड्स लगा सकते हो, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से यार ये चीज़ें मिली कि नहीं मिली। बाकी इस गाड़ी की आवाज़ बहुत मस्त है, एकदम मधुमक्खी की तरह और मक्खन की तरह चलती है, तो मैं आपको एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। फिलहाल गाइस अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, लाइक मार देना गाइस इस वीडियो को, लाइक टारगेट हमारा 10,000 लाइक्स का है, और फेसबुक पे आ जाना अगर
आपको गिव अवे चाहिए तो फेसबुक पे, तो गिव अवे होगा कल सुबह 5 बजे होने वाला है मैकलरन के टॉप अप का गिव अवे। प्लस शेयर कर देना क्योंकि अभी यार यूट्यूब का ग्लिच चल रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स तो कम हो ही रहे हैं बार बार, साथ में भाई यार यूट्यूब रिकमेंड भी नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे वो टाइटल भी यूज़ करना पड़ रहा है टट्टी वाला, वो 24K वाला। तो खैर यार अभी नहीं बोलूँगा उसको बेकार क्योंकि अभी उसी से व्यू आ रहे हैं, तो यार फटाफट से शेयर कर देना आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हो यार, एक में हो, दो में हो, 10 में हो, जाके शेयर कर देना भाई, यार बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी, क्योंकि भाई शेयर करोगे तो भाई हमारा भी मन करेगा यार व्यू अच्छे आएंगे तो हम भी और वीडियो डालें आपके लिए। ऐसे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की, अभी 4 दिन में हमारी 3री वीडियो आ रही है, वैसे यार हम 2-3 दिन उनका गैप कर रहे थे, तो भाई एक्टिव रहने की ट्राई कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ट्राई करो कि यार मैं भी खुश रहूँ और आप भी खुश रहोगे यार अपडेट्स देख के। तो आज के लिए यार बस इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Tell me that you love me, even if it's fake.